भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का अस्पताल में इन दिनों इलाज चल रहा है। जल्द ठीक होने की दुआ उनके फैंस के साथ ही साथ उर्वशी रौतेला भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। असल में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है प्रेइंग, यानी वो प्रार्थना कर रही हैं। उर्वशी के इस कैप्शन से अस्पताल में एडमिट ऋषभ पंत नाराज नहीं होंगे, न ही वो कोई और बात लिखेंगे, बल्कि दिल से वो धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रेइंग का मकसद लोकप्रियता हासिल करना नहीं हो सकता। शायद ऋषभ पंत भी ये मान ले, क्योंकि जल्द ठीक होने की ये दिल से निकली एक दुआ है और दिल तक ये पहुंची है। दिल से निकली हुई दुआ दूर तक जाती है, तो क्या अब हम ये मान ले कि दोनों के बीच का विवाद खत्म हो गया और ठीक होकर स्वस्थ होकर ऋषभ उर्वशी के लिए थैंक यू लिखने वाले हैं। दरअसल एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत कई कारणों के वजह से हमेशा चर्चा में रहे हैं। इनके बीच का विवाद दुनिया भर में है। दोनों के बीच हुए विवाद की बात सभी को इन दोनों के बीच इंस्टा वॉर से पता चल गई थी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दिए गए कैप्शन ने सबका ध्यान भी खींचा। उर्वशी ने अपने इस पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा प्रेइंग, यानी कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी रौतेला ने कहा था कि एक बार मिस्टर आरपी उनसे मिलने के लिए लॉबी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं यानी कि उर्वशी उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि वो काफी थक गई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास 16 से 17 मिस्ड कॉल थे, बाद में उन्हें बुरा लगा और फिर दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई। जबकि ऋषभ पंत ने इस पर कहा था कि लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों प्रसिद्धि के लिए लोग इतने भूखे हैं। इस तरह दोनों के बीच फिर से इंस्टाग्राम पर विवाद हो गया, लेकिन अब शायद वो लड़ाई खत्म होने वाली है, या हम यूं कहें कि खत्म हो गई।